अच्छा मारिया एक क्लिप आपका हम तक पहुँचा खलील कमर साहब हैं और आप लाइव चैनल पे कहीं बीपर दे रही हैं और उसमें आप फेमिनिज्म के हवाले से ज़रा डिबेट थी उसमें जो नारे हैं मेरा जिसम मेरी मर्जी खाना ख़ुद गर्म कर लो लो मैं बैठ गई इस तरीके के जो तनाज़िया और नारे हैं हमारे माशरे में तो आप खलील साहब पे चढ़ दौड़ी थी

अपने दुखों से दुखी नहीं है दूसरे का सुख देख के दुखी है तो so, आप ये, ये कह रहे हैं कि एक... जो मर्द सपोजिटली अपने हाँ। आप को शोहर साबित कर रहे हैं और जो खातन उस तरह का शोहर बनने की कोशिश कर रही है वो एक आइडियल सिचुएशन है ऑफ शोहर नहीं अब जैसे देखे ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी इस नहीं, नारे नहीं, नहीं, को कैसे आ, अब अरे भाई आ जाए इनका जिसम इनकी मर्जी नहीं आ जाए चले

नहीं, नहीं करती अगर आप इसको देखिए उस 55% परसेंट ऑफ पाकिस्तान में औरतें हैं ठीक है ज्यादा ठीक है ठीक है लेकिन वो फिर भी एक माइनॉरिटी है आप किसी भी चाहे आपकी माइनॉरिटीज हो या कोई भी तबका हो आपके माशरे का जो कि जिसको उसके हकूक या राइट न मिल रहे हो देखिए जरूरी नहीं है कि मैं अपने राइट्स को यूज करूं लेकिन मेरा राइट मेरे पास होना चाहिए वो नहीं कोई ले सका एज ए पर्सन ठीक है एंड अगर uh, आपके माशरे में आ, वो वाले सेक्शंस जो हैं वो दीवार से लगे हुए जो कहते हैं ना पुष टू द वॉल तो वो एहतजाज करेंगे एहत तो वही करता है ना जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही होती है सो डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए अपने इर्द गिर्द मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको फेमिनिज्म मेरा जिसम मेरी मर्जी क्योंकि मेरा जिसम है मेरा बदन है मेरा लैंप नहीं है तो मैं अपने जिसम को, जिसम को बिकॉज मेरा, uh, मेरा जिसम रब की मर्जी नहीं होना चाहिए रब अपना तो आप कह नहीं रहे तो फिर आप भी, भी वही तो करे तो ना आदमी क्यों कह रहे हैं

मैं इस बात पे पूरा यकीन रखती हूँ एंड दिस इज व्हाट आई आई नो कि फेमिनिज्म की तहरीक मेरे भाई मेरे बाप ऑल द फैमिली के अंदर या मेरे इर्द गिर्द में जो आदमी है उनके बगैर पूरी हो ही नहीं सकती सही है बिल्कुल नहीं हो सकती ये क्या तहरीक क्या है यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ये जरा बताएं ना तहरीक क्या है क्या चाहते हैं कि आप आप अपने माशरे अच्छा आप मुझे बताए मत सोचे आदमी औरत विक्टिम जो होता है वो विक्टिम होता है ठीक है कोई भी, भी हो बिल्कुल ठीक चाहे वो रेप विक्टिम हो चाहे कोई कोई प्रॉब्लम हो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आ, रेप के विक्टिम की जैसे बात आती है कि उसमें आप ये ना करें कि जेंडर कौन सा है अगर आप इंसाफ करना है तो सिर्फ ये देखें कि विक्टिम है और उसके साथ क्या हुआ है ट्रू फेयर आप मुझे बताइए कि आपको अपने माशरे में आ, इनजस्टिस दिखाई देता, देता, देता है इतना तो नहीं दिखाई देता जितना दिखाई देता है कि you know, आपके भी नहीं हो रहा आप वैसे बंद नहीं होंगे आप उस तरीके से जी, जी। नहीं रिएक्ट कर रहे होंगे मैं तो हमारी वाली बीवी तो हमसे ज्यादा तेज हमें डांटती है मतलब अगर हमारे कभी दरमियान गुस्सा हो जाए तो वो ज्यादा लाउड होती है आपस में म्यूचुअली उनका राइट है, है हाँ। लेकिन आपने उनका राइट लेने की कोशिश नहीं की नहीं, ये है ना नहीं ठीक है ना आप अगर उन आप उनसे प्यार नहीं कर सकते अगर उनकी इज्जत ना करते हो यू नो यू कैन नॉट रिस्पेक्ट योर डॉटर योर मदर आप कहें ये लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो एक्शन है वर्ब यू नो वो शो होती है वो सिर्फ दरवाजा खोलने से या आई आईए आई, बैठने से नहीं होती इट्स इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस So, मुझे ये लगता है कि uh, उसकी जरूरत है लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज नीडेड और वो तभी होगी जब इसी तरह हम बैठ के बात करेंगे और आप कहेंगे कि ये क्या है और मैं कहूंगी जी मेरा मतलब ये है तो डिस्कशन होना जरूरी है अफेंड नहीं होना लाइक आई एम नॉट अफेंडेड इफ यू आस्किंग मी बट मैं गलत कहूँ सही कहू चाहे आप माने ना माने डिस्कशन होना बहुत जरूरी है

आप कह रहे तो ना मानू नहीं आप आप <laughs> मा, आप, मा, आप, आप क्या पता आप दिल में मान रही है तो जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें सैलरीज का बहुत सारा मसला है फिर आप उसके अंदर जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका मसला है कि उसको कितनी छुट्टी मिलती है कितनी नहीं उसके पास कितनी बिकॉज देखिए ये सारी चीज़ें आपकी इकोनमी के साथ रिलेटेड होती हैं शायद वो औरत घर से ही ना निकलती अगर शायद उसको जरूरत ना होती Economy का सारा मसला है ना, so, आ, और जब वो वो होगी तो तो कोई भी इंसान अगर होगा आ, तो वो कहेगा कि मैं आ, शायद ले सकता हूं अपनी लाइफ में जो मेरा राइट है उस हद हाँ तक गलत सही ये वे बात बहुत अलग चली जाती है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया आप उनकी प्रो, उनके लिए मैं ह्यूमन बीइंग जो एक ह्यूमन अल्लाह ने राइट देकर आपको भेजा है ना hmm. बस आप अगर उसी से बात शुरू करें सही है. तो मेरा नहीं मुझे लगता है हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है सो आई थिंक इट्स जस्ट बेसिक अगर आप बेसिक्स पे रहे तो शायद इतनी ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड ना हूं. अगर hmm. किसी को भी प्रॉब्लम है चले आपकी बहन को या आपके भाई को प्रॉब्लम है तो आप सुनेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे बट आप कहेंगे नहीं ये औरत है ये आदमी है जब आप ये ह्यूमन बींग को छोड़ के ये डिफरेंस लाएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगी इसलिए कह रहे हो कि मैं औरत अच्छा इसलिए कह रहे कि मैं सो सोच को बदलने का मेरे ख्याल में वो जरूरी अच्छा है। चले हम आम ही छोड़ते हैं क्या है वो इस बारे में क्या राय रखती है